नमस्कार दोस्तों, दिल से देशी के इस मंच पर आपका स्वागत है। सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले एक प्रमुख भारतीय सामाजिक सुधारक, शिक्षाविद और कवियत्री थी, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के दौरान महिला शिक्षा और सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें उस समय की कुछ साक्षर महिलाओं में गिना जाता था। सावित्रीबाई को पुणे में अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ भीड़वाड़ा में स्कूल स्थापित करने के लिए श्रेय दिया जाता है। उन्होंने बाल विवाह के प्रति शिक्षित करने और उन्मूलन करने, सती प्रथा के खिलाफ प्रचार करने और विधवा पुनर्विवाह के लिए वकालत करने के लिए बहुत मेहनत की। महाराष्ट्र के सामाजिक सुधार आंदोलन का एक प्रमुख व्यक्तित्व और उन्हें B.R. अंबेडकर, अन्नाभाऊ साठे की पसंद के साथ दलित मंगल जाति का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान चलाया और जाति व लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने में सक्रिय रूप से काम किया। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को नायगांव, जो कि वर्तमान में सतारा जिले में है, में कृषि परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे पाटिल और माता का नाम लक्ष्मी था। वे परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। उन दिनों लड़कियों का जल्दी ही विवाह कर दिया जाता था, इसलिए प्रचलित रीति रिवाजों के बाद 9 वर्षीय सावित्रीबाई की शादी 1840 में 12 वर्षीय ज्योतिराव फुले के साथ हुई। ज्योतिराव एक विचारक, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और जाति विरोधी सामाजिक सुधारक थे। उन्हें महाराष्ट्र के सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रमुख आंदोलनकारियों में गिना जाता है। सावित्रीबाई की शिक्षा उनकी शादी के बाद शुरू हुई। यह उनके पति ही थे जिसने सावित्रीबाई को सीखने और लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक सामान्य स्कूल में 3री और 4थी की परीक्षा पास की, जिसके बाद उन्होंने अहमदनगर में मिस फरार इंस्टीट्यूशन में प्रशिक्षण लिया। ज्योतिराव अपने सभी सामाजिक प्रयासों में सावित्रीबाई के पक्ष में दृढ़ता से खड़े रहते थे। पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल 1848 में ज्योतिराव और सावित्रीबाई के द्वारा शुरू किया गया था, परंतु इनके इस कदम के लिए परिवार और समुदाय के लोगों दोनों का समाज द्वारा बहिष्कार कर दिया गया था। लेकिन फुले दंपत्ति को एक दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने आश्रय दिया था, जिन्होंने स्कूल शुरू करने के लिए अपने परिसर में फुले को स्थान भी दिया था। सावित्रीबाई स्कूल की पहली शिक्षिका थी। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने बाद में मंगल और महार जातियों के बच्चों के लिए स्कूल शुरू किए, जिन्हें अस्पृश्य व अछूत माना जाता था। वर्ष 1852 में 3 स्कूल फुले द्वारा चल रहे थे। उस वर्ष 16 नवंबर को ब्रिटिश सरकार ने फुले परिवार को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया, जबकि सावित्रीबाई को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका का नाम दिया गया था। उस समय उन्होंने महिलाओं के बीच अपने अधिकार, गरिमा और अन्य सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से महिला सेवा मंडल भी शुरू किया। वह विधवाओं के बाल मुंडवाने के मौजूदा परंपरा का विरोध करने के लिए मुंबई और पुणे में नाई की हड़ताल आयोजित करने में सफल रही थी। फुले द्वारा संचालित सभी 3 स्कूलों को 1858 तक बंद कर दिया गया था। इसके कई कारण थे, जिसमें 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद स्कूल प्रबंधन समिति से ज्योतिराव के इस्तीफा और समाज द्वारा पीड़ित समुदायों के लोगों को भी शिक्षित करने का आरोप फुले दंपत्ति पर लगाया गया। एक वर्ष बाद सावित्रीबाई ने 18 स्कूल खोले और विभिन्न जातियों के बच्चों को पढ़ाया। सावित्रीबाई और फातिमा शेख ने महिलाओं और साथ ही अन्य लोगों को कमजोर जातियों को पढ़ाना शुरू किया। इसे कई लोगों द्वारा अच्छी तरह से नहीं लिया गया, विशेष रूप से पुणे और ऊपरी जाति जो दलित शिक्षा के खिलाफ थे। सावित्रीबाई और फातिमा शेख को स्थानीय लोगों ने धमकी दी थी और उन्हें सामाजिक रूप से परेशान और अपमानित किया गया था। जब वह स्कूल की ओर चली गई तो सावित्रीबाई पर गाय का गोबर, मिट्टी और पत्थरों को फेंका गया। हालांकि इस तरह के अत्याचार अपने लक्ष्य से निर्धारित सावित्रीबाई को हतोत्साहित नहीं कर सके
और सावित्री बाई और फातिमा शेख बाद में सगुना बाई से जुड़ गए, जो अंततः शिक्षा आंदोलन में अग्रणी बनी। इस बीच 1855 में फूले जोड़े द्वारा कृषिविद और मजदूरों के लिए एक रात्रि विद्यालय भी खोला गया, ताकि वे दिन में काम कर सके और रात में स्कूल जा सके। स्कूल छोड़ने की दर की जांच करने के लिए सावित्री बाई ने स्कूल जाने के लिए बच्चों को वेतन देने की प्रथा शुरू की। वह उन युवा लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बनी रही जिन्हें उन्होंने पढ़ाया था। उन्होंने लेखन और पेंटिंग जैसी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया। सावित्री बाई के मुक्ता सालवे नामक छात्र द्वारा लिखे गए निबंधों में से एक इस अवधि के दौरान दलित स्त्रीवाद और साहित्य का चेहरा बन गया। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर माता पिता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित अंतराल पर अभिभावक शिक्षक बैठकें आयोजित की, ताकि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजे। वर्ष 1863 में ज्योतिराव और सावित्री बाई ने एक देखभाल केंद्र भी शुरू किया, जिसे बाल हत्या प्रतिभानक गृह कहा जाता है, जो संभवतः भारत में स्थापित की गई पहली ऐसी संस्था थी जो गर्भवती ब्राह्मण विधवाएं और बलात्कार पीड़ित अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रख सके और इस प्रकार विधवाओं की हत्या को रोकने के साथ साथ शिशु हत्या की दर को कम किया जा सके। 1874 में ज्योतिराव और सावित्री बाई काशीबाई नामक एक ब्राह्मण विधवा से एक बच्चा गोद लिया और इस प्रकार समाज के प्रगतिशील लोगों को एक मजबूत संदेश प्रस्तुत किया। यह दत्तक पुत्र यशवंत राव बड़े होकर डॉक्टर बने। ज्योतिराव ने विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। सावित्री बाई ने बाल विवाह और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अथक प्रयास किया। दो सबसे संवेदनशील सामाजिक मुद्दे जो धीरे धीरे महिलाओं के अस्तित्व को कमजोर कर रहे थे, उन्होंने बाल विधवाओं को शिक्षित और सशक्त बनाकर मुख्य धारा में लाने का भी प्रयास किया और उनके पुनः विवाह की वकालत की। इस तरह की खोज रूढ़िवादी उच्च जाति के समाज में मजबूत प्रतिरोध के साथ भी हुई। सावित्री बाई ने छुआछूत और जाति प्रथा के उन्मूलन में अपने पति के साथ मिलकर काम किया, जो निचली जातियों के लोगों के लिए समान अधिकारों को प्राप्त करने और हिंदू पारिवारिक जीवन में सुधार के लिए काम किया। दंपत्ति ने एक युग के दौरान अछूतों के लिए अपने घर में एक कुआं खोला। जब एक अछूत की छाया को अशुद्ध माना जाता था और लोग प्यासे अछूतों को पानी की पेशकश करने के लिए अनिच्छुक थे, सावित्री बाई के दत्तक पुत्र यशवंत राव ने एक डॉक्टर के रूप में लोगों की सेवा करना शुरू की। जब 1897 में बुलेसोनिक प्लेग महामारी ने नालसपोरा और महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया, तो साहसी सावित्री बाई और यशवंत राव ने बीमारी से संक्रमित रोगियों का इलाज करने के लिए पुणे के बाहरी इलाके में एक क्लिनिक खोला। वह इस महामारी से पीड़ितों को क्लिनिक में ले जाती, जहां उनका बेटा उन रोगियों का इलाज करता था। रोगियों की सेवा करते हुए वह खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ गई। 10 मार्च 1897 को सावित्री बाई का निधन हो गया। समाज की सदियों पुरानी बुराइयों पर अंकुश लगाने और उसके द्वारा छोड़ी गई अच्छी बुराइयों को समृद्ध विरासत में सावित्री बाई का अथक प्रयास पीढ़ियों को प्रेरित करता है। 1983 में पुणे सिटी कॉरपोरेशन द्वारा उनके सम्मान में एक स्मारक बनाया गया था। इंडिया पोस्ट ने 10 मार्च 1998 को उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 2015 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर उनके नाम पर सावित्री बाई फूले पुणे विश्वविद्यालय कर दिया गया था। सर्च इंजन गूगल ने 3 जनवरी 2017 को गूगल डूडल के साथ उनकी 186वीं जयंती मनाई थी। आज महाराष्ट्र में महिला समाज सुधारकों को सावित्री बाई फूले पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मित्रों, ये थी सावित्री बाई फूले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। वंदे मातरम।